इंटरेस्टिंगली प्रोफेसर का नाम है आर रामानुजम और हैं भी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज से. मुझे याद है बचपन में मुझे एक बार ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल मिला था एक फाइट में, तो मेरी एक मैम ने बोला था पढ़ाई में भी कुछ ऐसा करो रामानुजम की तरह बनो. 5 बजे आँख खुली पर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कराटे क्लास में जाने की. मतलब ज़बरदस्ती चला जाता मैं, कर भी अच्छा लेता, पर फिर मेरी नींद पूरी डिस्टर्ब हो जाती, तो इसलिए मैंने सोचा खाली सो ही लेता हूँ. अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, मैं उठते ही काम लेकर बैठ गया हूँ क्योंकि काम तो कंप्लीट करना है. देखो अब जैसा एक्सपेक्ट करते हो वैसा ज़रूरी नहीं है, वैसा हो ही नहीं पाता है मोस्टली सॉफ्टवेयर में या इवन रिसर्च में. आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो पर वैसा नहीं होता है, और वो कंप्लीट करने तक, मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा है वो देखने तक ही इतने सारे स्टेप्स लग जाते हैं, इतने सारे चैलेंजेस क्रॉस करने पड़ते हैं. 3 बजे का टाइम देखकर मुझे बचपन याद आ गया, तब भी मैं एग्जैक्ट 3 बजे उठता था पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा बोलते थे कि मॉर्निंग में अगर पढ़ाई करो तो याद रहता है. एक टीचर ने बोला था कि मॉर्निंग में मैथ्स किया करो, अगर मैथ्स करोगे तो नींद नहीं आएगी. गैलरी में एक बैठने की जगह थी थोड़ी सी ज़मीन पे, पहले छोटा बल्ब था वहाँ पर वो बड़ा इसलिए लगवाया था क्योंकि मैं पढ़ता था उधर, और एक जो रूम था उसमें मम्मी सोती थी. मैं अगर रूम की लाइट जलाऊंगा तो उनकी नींद ख़राब होगी, इसलिए मुझे वो जगह सही लगती थी. कोई है भी नहीं, थोड़ा अकेलापन भी है, डिस्टर्बेंस भी नहीं है. और कुछ 5 बजे आई थिंक पानी आता था, तो 5 बजे फिर मम्मी उठ जाती थी, लोग मोटर वगैरह चलाते थे पानी भरने के लिए, और जब छत पे सोते थे क्योंकि गर्मी होती थी तब तक एसी वगैरह इवन कूलर का भी इतना हिसाब था नहीं, तो नेचुरली कुछ 5-6 बजे चिड़िया बोलने लग जाती थी और उससे आप उठ जाते हो. फिर उठते ही पहले मैं पतंग उड़ाता था मॉर्निंग में, ठंडी सी हवा चल रही है मॉर्निंग में, पतंग उड़ रही है एक बच्चे के लिए, मतलब उससे इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है. फिर स्कूल जाना पड़ता था, वो थोड़ा सा दर्दनाक होता था, अरे यार अब धूप निकल आई अब स्कूल जाना पड़ेगा. ओके, वन इज द जेन्युइन फाइबर सर्फेसेस दैट दीज आर ऑक्सीजन एटम्स, दीज आर कार्बन एटम्स. Two is just a specific control polygon selected to show that octree can also behave poorly for this particular control polygon. This is nothing meaningful, no meaningful feature. It's just a specific control polygon selected. Okay, but it's the same data set, it's just a different right, same data set. Aaj ek professor aa rahe hain talk ke liye, to ek bar sara setup check karna hai jaakar. इंटरेस्टिंगली प्रोफेसर का नाम है आर रामानुजम और हैं भी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज से. मुझे याद है बचपन में मुझे एक बार ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल मिला था एक फाइट में, तो मेरी एक मैम ने बोला था पढ़ाई में भी कुछ ऐसा करो रामानुजम की तरह बनो. टॉक का टाइटल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वाई शुड वी लर्न लॉजिक एंड वाई शुड वी लर्न लॉजिक. Ramanujam is a well-known computer scientist, especially in the theoretical computer science community in India and abroad. Many of you may have heard of this puzzle. It's a very famous puzzle. Nobody is saying anything about the numbers. Class 8, class 9 kids, and they actually find x and y. So clearly, we are able to infer something about the numbers and without actually saying anything. It's only a statement about knowledge and ignorance. Feeling secure is a matter of certain assumptions. And in particular, there is some proof of security. When I buy a house and get a key to it, the key signifies both enabling and right of possession. Thief who steals my key is enabled, but doesn't have right of possession. They needed time to change. There were many technical issues. So that's why I just started writing.
Okay.